हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं राफ्ट सर्वाइवल में। फिलहाल यहाँ पे इसने हमला कर दिया, यहाँ पे बहुत मैं इंट्रो स्टार्ट ही कर रहा था कि इसने हमला कर दिया। मेरे को सामने एक राफ्ट दिख रही है, वहां पे मेरे को एक चेस्ट दिख रही है जिसमें कुछ चीजें हो सकती है काम की। तो अभी मैं अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहा था, मेरी भूख बढ़ रही है और खाना मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने कुछ सीड्स लगाए हुए हैं, मैंने पोटैटो लगाए हुए हैं और मैंने शायद उसके अलावा वाटरमेलन मैंने लगाए हुए हैं। तो आज मेरे को थोड़े से खेत अपने और बढ़ाने, आज अपने टूल्स को अपग्रेड करना है मेटल में, क्योंकि ये जो टूल है ना बार बार टूट जा रहे, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। तो मेटल ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ेगा आइलैंड के किनारे, वहां पे मैं जाऊंगा अभी कोई भी आइलैंड मिलेगा। तो फिलहाल मेरे को आसपास कोई आइलैंड नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे अपनी राफ्ट को थोड़ा सा बेटर करना है ताकि अगर शार्क अटैक करे तो उतना ज्यादा नुकसान ना हो, वो सब चीजें करनी है। अभी बस मैं इसमें कूदने वाला हूँ, मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। चलो 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 चलो, ज्यादा दूर उसको पिक कर लेते हैं, और कुछ नहीं है ना। ओके ओके, नीचे जाने का मौका भी नहीं मिला। तो देखो मैंने यहाँ पे मेरे को दो जूते मिले, एक जूता मेरे को लास्ट एपिसोड में मिला था, एक वापस मुझे मिला था, अभी मैं इसको हार्वेस्ट कर सकता हूँ अभी नहीं। तो एक मैंने बीटरूट लगा रखा है, एक मैं आलू लगा रखा, तो दो जूते हैं, दो जूते खाने के लिए मेरे पास हो जाएंगे, खाना खाने के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे पानी अपना हो रखा है तो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा पानी, तो यार मतलब पी के चलना है क्योंकि जब मैं यहाँ से ना आइलैंड पर जाऊंगा तो उस टाइम के लिए मुझे चाहिए पानी बहुत सारा। फिलहाल मेरे को यहाँ पे एक बैरल दिखाई दे रहा है, उसको निकाल लेते हैं। ओ एक सेकंड, मेरे को मेटल मिला क्या? मेटल ओर मिला मेरे को। ओके गाइस, तो मेटल ओर मिला मेरे को। आज मेरा प्लान ये था कि मैं मेटल ओर ढूंढूं और उसके बाद उन मेटल ओर्स को मैं ढूंढने के बाद यूज करें उनको, जो स्मेल्टर वगैरह वो बनाए उसके बाद से उनको यूज करें अपने जो टूल्स है उनको अपग्रेड करने में। फिलहाल मेरे को सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना उस आइलैंड की तरफ को हम लोग अपने जो राफ्ट है उसका जो मुंह है मोड़ लेते हैं और चल के देखते हैं कि क्या वो कौन सा वाला आइलैंड है। वहां से मेरे को आसपास एक्सप्लोर करना होगा थोड़ा सा पानी के अंदर जाके। तो पानी के अंदर ना शार्क का थोड़ा सा खतरा रहता है, थोड़ा सा क्या मतलब मार देते यार वो, और मार दिया तो मतलब इन्वेंटरी में जो सामान है सारा का सारा गायब, फिर दोबारा से स्टार्ट करो तो यार वो। और प्रॉब्लम पता क्या है, आइलैंड के किनारे में एक सेकंड, अबे तूने दिमाग खराब कर दिया यार मेरा, सामान चोरी कर करके। ओके मेरा पम्पकिन हो रहा है, वाटरमेलन हो रहा है और यहाँ पे एक आलू लग रहा है, हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है। ओके ये वाला आलू हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है, दोबारा से लगा देता हूँ। और मैं इसमें पानी नहीं है यार, मैंने पानी नहीं भरा, पानी भर लेता हूँ फटाफट से। तो मेरे को इसमें पानी, ये भी हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है, अभी नहीं हुआ है। तो ये वाटरमेलन भी होने वाला है, तो खाने का अपना ठीक ठाक चल रहा है। फिलहाल हम लोग चलते हैं उधर पे, वो जो सामने मेरे को दिख रहा है ना वहां पे मुझे जाना है। वहां से पहले तो मेरे को कुछ सीड्स लेके आने। यार ये पंच ये यही पे घूम रहे हैं यार, इनको मारूं कैसे मैं बो बना पाऊंगा अभी तो नहीं, बट मेरे को पता भी नहीं बो के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहले हम लोग मेटल लेके आएंगे, उसको स्मेल्ट करेंगे, मेटल ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल जो इनगेट्स वगैरह होते हैं उसमें। लेकिन उसके लिए हमको पहले वो बनाना पड़ेगा एक स्मेल्टर। स्मेल्टर के लिए चाहिए हमको क्ले और सैंड ढूंढनी पड़ेगी, तो आइलैंड के आसपास बहुत कुछ मिलेगा। तो पहले तो हमको वही करना है, तब जाके अपग्रेड कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो अपने टूल्स हैं बहुत जल्दी जल्दी मतलब टूट जा रहे हैं, तो उनको बनाने में टाइम भी लग रहा है और अपना जो सामान है फिर ज्यादा लग रहा है। फिलहाल मेरी नजरें ना इन पे हैं, देखो ये दो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आज तो मैं एक शार्क को भी किल करने वाला हूं, मैंने बहुत दिमाग खराब कर दिया शार्क ने मेरे को मार मार के, मेरा राफ्ट तोड़ तोड़ के, मैं इतनी मेहनत करके अपनी राफ्ट को बार बार रिपेयर कर रहा हूं, रिपेयर तो खैर मैं क्या ही कर रहा हूं, मैं उसको नया बना रहा हूं। मेरी जो नेट है ना जो इतनी महंगी है, इतनी कॉस्टली है, ये तोड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने अबे लो ये टूट गई पहले ही यार, ये बहुत ही जल्दी टूट जाती है। अभी मेरे पास रोप है, ओके क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने सजेस्ट किया था ना, देखो मैंने भी थोड़ा बहुत नोटिस किया कि शार्क ना जो कॉर्नर होता है हमारे राफ्ट का वहां पे ज्यादा अटैक करती है, बहुत चांस होते हैं वहां पे अटैक करने के। तो मैं अगर थोड़ा सा अपनी राफ्ट का एक पार्ट आगे बढ़ा दूं, बीच में उनको लगा दूं, तो हम लोग फिर मतलब टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग एक हिसाब से, क्योंकि वो उतना ज्यादा फिर नुकसान उसको नहीं पहुंचाएगी। ये हार्वेस्ट करने लायक हुआ नहीं क्या अभी कुछ भी? ये हो चुका है और ये भी हो चुका है। चलो अभी आलू लगा लेते हैं इसमें भी और इसमें भी। इसमें इतना बड़ा है लेकिन इसमें सिर्फ दो आलू लग रहे हैं, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा एरिया है लेकिन दो आलू लगने की जगह है उसमें। चलो अभी आगे चल रहे हैं, मेरे को आगे देखो धीरे धीरे करके, कभी जब एकदम जो ओशन होता है ना शांत हो जाता है तो उस टाइम पे चीजें ज्यादा तैरते हुए आती नहीं है। अभी मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा और आइलैंड में अगर फंस जाओ तो आइलैंड के आसपास कुछ ऐसा खास मिलता नहीं है, मतलब जो भी तैरते हुए चीजें आती है ना उतनी ज्यादा आई नहीं रहती, जबकि होना ही चाहिए था कि आइलैंड में गिरा रहना चाहिए था, मतलब अटका होना चाहिए था ना, ऐसा होता नहीं यार। मेरे को सामने सिर्फ एक पेड़ दिखाई दे रही है, अभी रुक जा, ले गई 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 मर गई। ये मैं बहुत देर से इसको मार रहा था, इसने मेरा बहुत ही खराब करा था। अभी हमको इससे खाने का तो मतलब जुगाड़ हो चुका हमारे आज का। इसका मेरे को कुछ हेड वेड भी मिला क्या? शार्क हेड छोड़ देते हैं, हमको नहीं चाहिए, ठीक है ड्रॉप कर लेते हैं। और हम लोग अभी फिलहाल तो हम लोग ओशन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर जाके मुझे करना क्या है ना, कुछ नहीं करना है इसके अंदर जाके, इतनी छोटी छोटी फिश है, इन्हीं फिश को तो मैं पकड़ पकड़ के खा रहा हूँ। तो अभी के लिए तो मैंने इसको मार दिया यार, तो अभी मतलब ठीक है हमारा। एक सेकंड, इन्वेंट्री भर चुके हैं मेरे पास, एक सेकंड, मेरे को एक और स्टोरेज क्राफ्ट करना पड़ेगा, अपने पास स्टोरेज कम है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, वो रोप रखने की जगह ही नहीं है ना। ओके
एक और मैंने क्राफ्ट कर लिया, तो इसको मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे। अब इसमें हम लोग क्या रखते हैं, प्लास्टिक, ये सब जो भी सामान है हमारा। और ये गिफ्ट वगैरह बहुत मिल रहे हैं मेरे को। वाटरमेलन सीड्स हैं, लगा देता हूँ। अब मेरे को इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो पानी हमारे पास ये है। मैं जैसे ही सोचता हूँ ना, दिमाग खराब, मेरे सामने सामने आ रहा है यार मेरा वो इतना बड़ा आइलैंड है सामने गाइस हमारे। यार ये वही वाला आइलैंड तो नहीं है कहीं जहाँ पर मैं गया था पहले, पता नहीं यार। बट मेरे को ना उस आइलैंड पर जाना है, तो उसके लिए हमको ट्रैश कैन भी बना सकते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले ना मुझे एक एंकर बनाना है। एंकर कहाँ पे था, चार रोप और एक क्राफ्टेबल एंकर मैंने बना लिया अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ी ना तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब देखो मेरे पास खाने का आइटम है थोड़ा बहुत। इसमें पानी डालना पड़ेगा क्या, नहीं पानी तो है इसमें। ओके, इस वाले में सामान रख देते हैं जो भी है। कचरा मेरे पास क्या क्या कचरा है, हैमर तो हमको चाहिए, तो इसको तो मैं अपनी इन्वेंट्री में रखने वाला हूँ। आलू अभी रहने देते हैं और वाटरमेलन, खाना वाना मैं रख रहा हूँ। ये वाली फिश रख देते हैं, एक शायद किसी चीज़ को, ओके शार्क बेट बनाने के काम आती है शार्क बेट। एक सेकंड, किसी में तो देखी थी मैंने ये, इसके लिए हमको ये वाली चाहिए। ये तो है हमारे पास, एक हैरिंग चाहिए हमको, हैरिंग। तो वो वाली मेरे को ना फिश पकड़नी पड़ेगी। अभी वो फिश पकड़ने के लिए क्या करना होगा, एक बार ट्राई करते हैं, अगर वो वाली मिल गई तो हम लोग शार्क बेट बना सकते हैं, जिससे कि शार्क थोड़ी देर तक बिजी रहते हैं, उस टाइम पे हम उसको मार भी सकते हैं और हम लोग आराम से ओशन में गोते लगा सकते हैं। बहुत ही बड़ा आइलैंड है यार, यहाँ तो एंकर पॉइंट डाल के मस्त करके घूमेंगे। बस उनसे बचना है जो सर पर पत्थर फेंकते हैं, उनसे बचना है मुझे, और कुछ नहीं। बाकी अभी देखो राफ्ट अपना बहुत छोटा सा है, बहुत कुछ करना है मुझे आज, मतलब हम लोग प्रोग्रेस करेंगे असली वाला, बिल्कुल तगड़ा वाला, बहुत जबरदस्त तरीके से। बस खाने पीने का टेंशन फ्री हो जाओ। देखो खाना अभी मतलब पेट आधा से ज्यादा खाली है मेरा। फिश पकड़ लेता हूँ थोड़ा सा। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास ये हो चुका है, अब मेरे को डालनी है इसमें फिश। तो हमने कौन कौन सी फिश पकड़ी है, मैकरेल, ओके मैकरेल है मेरे पास एक। मैं शार्क बेट बना के रखता हूँ, अगर इनकेस ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मुझे शार्क मारने आएगी तो ना, अगर कुछ भी ऐसा हुआ, सपोज ये मान लो कि मेरी राफ्ट चली गई इधर उधर, तो उस टाइम पे ये सब काम आएगा। फिलहाल मेरे पास बहुत सारा सामान आ चुका है। चलो रात भी होने को है, बट मेरे को अभी थोड़ा बहुत फिशिंग कर लेता हूँ रात के टाइम पे, ठीक है। थोड़ी देर फिशिंग करता हूँ अभी, मेरे को लगता है कि रात के टाइम पे तो शायद वो जो पंछी है वो आएंगे नहीं, मेरे को दिख तो नहीं रहे कहीं पे। ओ नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक हुक दिख, ये दिखा यहाँ पे चेस्ट, मैं तो इसको शायद ऐसे ही पकड़ लूंगा। हाँ ओके, चलो थोड़ी देर फिशिंग कर लेते हैं गाइस, उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे कल सुबह वो वाले आइलैंड। यार मैं तो उससे दूर जा रहा हूँ, लेकिन बस लास्ट वाली फिश पकड़ रहा हूँ, लास्ट वाली बस। चलो अभी अभी हम लोग सो जाते हैं, मेरा बेड किधर है, ये है। ओके हाँ, सो गए हम लोग। अब कल सुबह यानी कि आज जाना है मुझे वहाँ पे। तो मेरे पास वाटरमेलन है खाने को, मेरे पास ये वाली एक और फिश है, ये फिश ना काम आती है यार, तो इसको तो मैं पकाने वाला नहीं हूँ। मेरे पास खाने का आइटम तो है, पानी है पीने को, तो इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। पानी मेरे पास एक जग है, तो एक जग, एक मेरे को जग और बनाना पड़ेगा यार पानी का, कहाँ पता, एक और एम्प्टी कप बना लेता हूँ, क्योंकि एक से काम नहीं चलने वाला। तो इसमें मैं पानी भर लेता हूँ, अरे ये क्या हुआ पानी, ओके इसमें भर लेता हूँ और इसमें और भर लेता हूँ पानी। यार मेरे को कुछ तो हो रहा है ना, भूख लग रही है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास खाना है अभी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मारूंगा इसको किसी दिन में यार बहुत दिमाग खराब कर दिया इसने। ये भी मेरे हार्वेस्ट करने लायक शायद हो गए। ओके सब कुछ हार्वेस्ट कर लिया मैंने, अब मैं लगाता हूँ। यार पोटैटो लगा के फायदा है क्या, या बीट रूट लगा लूँ, यार बीट रूट नहीं मैं लगाता हूँ अभी, पहले ना अपनी पेट भर लेता हूँ एक बार। फिर मेरे को लग रहा है कि मेरे को मेलन लगाना चाहिए, क्योंकि मेलन में ना पानी भी मिल रहा है, क्योंकि फ्रूट है तो पानी भी हमको ऑब्वियसली मिलेगा। और मेरे पास ये तो है यार, मैं तो क्या, मैं क्यों फिशिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ये है तो सही चीज़। मैंने शार्क को मारा था ना, तो वहाँ से हमको बहुत कुछ मिला हुआ है। ओके अभी इतना लगाता हूँ और बाकी रख देता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया वो, ओके रख दिया ना आलू मैंने ऑलरेडी। ओके तो अभी मेरे को फटाफट से ना ये सब पकाना है। यार इससे तो मेरे को अच्छा खासा मतलब सैचुरेशन मिलना चाहिए, ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना, इससे मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, फिलहाल ये हटा लेते हैं। इन्वेंट्री इतनी मतलब इतना सारा वो हो जा रहा है इन्वेंट्री में, भर जा रही बिल्कुल ही। नहीं ये मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, पहले पी लेता हूँ थोड़ा। फिलहाल हम लोग वो आइलैंड की तरफ को बढ़ते हैं। वही वाला आइलैंड था क्या वो, नहीं नहीं वो दूर दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। वो बड़े वाले आइलैंड पे ही मैं जाना चाह रहा हूँ। तो अभी हम लोग अब पूरा फोकस इसी में रहने वाला, बल्कि मेरे को ना एक जल्दी से, मैं बहुत सारी क्राफ्टिंग रेसिपी ओपन हो चुकी मेरी, लेकिन मेरे को एक और पैडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैडल बहुत जल्दी जल्दी टूट रहा है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। खाना वाना अपना पक रहा है, खाना अपना पेट भर भी रखा है अभी, तो खाने की टेंशन नहीं है, पानी की टेंशन नहीं है। शार्क को मार के यार मतलब बहुत सही चीज़ है, अपना चार मिल जाता है और अच्छा खासा उससे शायद एक बार में पेट भर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। Few moments later. तो मैं ना
मैं लगा हुआ था अपने काम पे और मुझे डायरेक्शन पता ही नहीं चले कि कहाँ जाना था मुझे। तो हुआ क्या कि मैं अभी वापस एक छोटे से आइलैंड के पास जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके एंकर डाल के ऐसे एक्सप्लोर करने का मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई फायदा है। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक ये बना लूँ सेल। इसके लिए मेरे को चाहिए 20-17 है मेरे पास। एक सेकंड, मेरी इन्वेंट्री में आई थिंक होगा, ये भी है थोड़े बहुत। ओके है तो अभी हो जाएगा। ओके तो मैंने एक सेल क्राफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको लगा तो दूं कहीं पे। ओके मैंने लगा तो दिया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ ई से। इसे ओपन भी हो गया। ओके रोटेट करना है मेरे को इसको। यार मेरे को देखना पड़ेगा कि इसको चलाना कैसे है। मुझे ना दूसरी जगह पर लगाना था यार, ये रिमूव आ तो रहा है एक्स। ओके मैं इसको ना इधर इधर पर लगाने वाला हूँ। अब जाके मैं इसको वापस से ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। अभी तो अपने आप ही चल रहा है ना, एक बार थोड़ा सा ना चलाना सीख लेता हूँ कि किस साइड को। मेरे को आर प्रेस करना है रोटेट के लिए। लेकिन ये रोटेट हो क्या रहा है इसका? ये तो रोटेट हो ही नहीं रहा, कहाँ पर अटक रहा है? स्मूथली क्यों नहीं रोटेट हो रहा है? ये स्मूथली तो रोटेट हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। अबे लो, ओ शिट, मैं इसको ना शार्क बेट डाल के इसको मारूं क्या? ओ शिट शिट शिट, गया, मैं गया काम से। अबे नहीं, मेरे को जाना ऊपर, मैं मरने वाला हूँ। वैसे तो अच्छा मेरा मतलब पेट भरा हुआ था। ओके मेरे को अब ये सीखना है कि रोटेट क्यों नहीं। अबे नहीं, अभी रोटेट करूँगा इसको मैं आर से। नहीं पहले तो ओपन करना पड़ेगा, अब जाके मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये स्मूथली क्यों नहीं रोटेट हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ओके इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको भी मैं तोड़ रहा हूँ। शायद इसकी वजह से रोटेट नहीं हो पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है इसका, ठीक है। यहाँ से मेरे को प्लैंक तो मिल रहे हैं। ओके अब जाके मैं ट्राई करता हूँ। अरे नहीं, रोटेट करना है यार, बहुत अटक रहा है। तो खैर इसको छोड़ते हैं। ओके इसमें प्लैंक लगाने मुझे। वो मेरे को सामने एक दिख रहा है एक आइलैंड, तो हम लोग ना उधर जाने का ट्राई करते हैं। बट उसके लिए मेरे को एक और ये बनानी पड़ेगी पैडल। हमारे पास प्लास्टिक कम है, मेरे पास प्लास्टिक ढूंढना पड़ेगा। हम लोग वैसे वहीं पर जा ही रहे तो सही हो जाएगा ये चीज़ तो कम से कम। फिलहाल मैं यहाँ से एक मग पानी लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर आलू है मेरे पास, तो आलू भी लगा के फायदा है क्या? लगा देता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि फायदा है, क्योंकि जब मैं काम कर आइलैंड पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो शार्क खा लेगी सब कुछ। नहीं, शार्क नहीं, जो ऊपर से आ रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा तूफान सा आ रहा है और मैं एकदम तैयार हूँ। मेरी इन्वेंट्री में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है? डेकोरेशन पैकेज, एक बार इसको ओपन करके देख लेते कि इससे हम लोगों ने क्या सीखा है। रग बनाना सीख लिया मैंने। ओके रग बनाना काम आएगा मेरे। ओके तो हम लोग अभी जा रहे हैं सीधे आगे, और मैं पैडल मार के थोड़ा सा आगे तक जाने वाला हूँ। यहाँ हमको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलने वाली है, तो मेरे को थोड़ी देर ना फिशिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग आराम से वहाँ पे जा पाएंगे। तो फिशिंग करने वाला हूँ थोड़ा सा। हम लोग आइलैंड पे पहुँच ही गए ना वैसे। हाँ थोड़ा सा फिशिंग कर लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ मिलेगा। देखो नीचे बहुत कुछ है वैसे। अबे तुम लोग फिर आ गए ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं यार। ओके थोड़ा सा फिश पकड़ लेते हैं। मेरे को ये वाली फिश तो बचा के रखनी चाहिए, खानी नहीं है ये, कभी भी शार्क बेट बनाने के काम आएगी और हमको मतलब नीचे जाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। एक फिश मिली तो है, मैं क्या बना सकता हूँ? ओके क्राफ्ट कर सकता हूँ शार्क बेट। और अब मैं पहले ना सो जाता हूँ, कल मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे, ठीक है। मेरे को एक बार अच्छे तरीके से ड्रॉप करने, शार्क बेट कैसे ड्रॉप करनी है और वो मेरे को देखना है। ओके तो मेरे पास दो मग पानी है, खाना है मेरे पास थोड़ा बहुत जान बचाने के लिए, और मेरे आलू वगैरह भी पक गए होंगे शायद। हाँ ये भी पक चुके हैं। हम लोग वापस आइलैंड से दूर जा रहे हैं यार, ये क्या बात हुई? जैसे ही आइलैंड के पास पहुंच रहा हूँ फिर से मैं दूर चले जा रहा हूँ आइलैंड से। मेरे को मैंगो ट्री आई थिंक दिख रहा है वहाँ पे, तो वो हमको एक फ़ायदा मिल जाएगा। देखो ये वही है, ये जब मैं ओशन के अंदर रहता हूँ ना तो ये उस टाइम पर पत्थर डालते हैं, तब उस टाइम पर और कुछ नहीं। एक सेकेंड, ये प्लेस कैसे होगा? ओके डाल दिया ना शायद। हाँ अब चले गया। अब हम लोग एक सेकंड मेरे को शार्क बेट डाल के भी देखना था एक बार पहले। मेरे को ये देखो ये घूम रही है ना यहाँ पे। अब अगर इसको मैं थ्रो करता हूँ, ओह ऐसे करके डालना है, ऐसे करके मुझे डालना है। अब मैं इसको मार सकता हूँ, मारा आ रही, दोबारा आएगी। इस बार मारूंगा इसको मैं पक्का। अरे इसने मेरे को मारा यार, एक सेकंड, ये उसको खाने में बिजी रहेगी ना तब शायद मैं कर पाऊंगा। इसको खा क्यों नहीं रही? नहीं, पड़ी उसको भी, पड़ी वैसे खतरनाक वाली पड़ी। मैं लेकिन फिलहाल मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ अभी। यार उसको खा नहीं रही वो, क्यों? मैं फिलहाल अपनी जान बचाता हूँ। आएगी शायद, अभी आएगी खाने को उसको। अपने पास अभी और क्या है यहाँ पर खाने को? आलू है एक, आलू तो मैंने पकने रखा ही नहीं था यार। ओके ये है एक, इसको खा लेता हूँ। देखो जा रही। अच्छा मेरे को ना भागना भी है वो, क्योंकि वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। ओके समझ में आ चुका है। मेरे को ऐसे बिल्कुल फ्री होके पानी में नहीं कूदना है, जब वो आएगी अटैक कर रही होगी, उसको खा रही होगी, तब मेरे को उसको मारना है और दूर हट जाना है। गया मतलब इस बार मेरे को लगता है कि अब मार डालूंगा उसको। ओ शिट नहीं पानी, ओ शिट नहीं, कहाँ से निकल यार। मेरा काफी कुछ सामान चले गया, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं इसको पक्का मारने वाला हूँ यार। अब यहाँ पर आ गई है, ये मर जाएगी मेरे को लग रहा है। एक
मरने वाली है। बहुत मार दिया। मैं एक बार ऊपर जाने ही वाला हूँ, ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा देख लेंगे। अभी मैं सीधे जा रहा हूँ और हम लोग आइलैंड पर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं। अभी नहीं है, फिर से आगे मुझे मारने के लिए यार। तो हमको बस एक्सप्लोर ही करना होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं। फ्लावर वगैरह मैं क्यों ले रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट यार हम लोग तैयारी के साथ। ये इस आइलैंड के लिए मैंने अपनी जान गंवाई यार। यहाँ पे हो, ओके यहाँ पे है कुछ कुछ खाने को है यहाँ पे। ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान तो मिल रहा है खाने को। अभी मेरे पास थोड़ा बहुत सामान तो हो चुका है, मैं इस प्लैंक वगैरह नहीं है भले ही, बट हाँ थोड़ा खाने का सामान हो चुका है, तो खाना वाना खा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है सैंड। ओके, और ये सैंड और मेरे को लग रहा है कि क्ले दोनों चीज़ें हैं शायद, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। और शार्क आ गई तो मार डालेगी, ये भी है। आयरन के किनारे उतना ना आए, हो भी सकता है कि ना आए उतना। यार मेरे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था, अब दोबारा से मेरे को वो सब करना पड़ेगा। बहुत बहुत तगड़ी फाइट हुई थी। ओ ऊपर जाना पड़ेगा वापस से, ज़्यादा ही डीप है यार ये, कुछ ऊपर आने में बहुत टाइम लग रहा है। ओके यहाँ पे मैंने शायद एक्सप्लोर कर लिया था यहाँ की साइड को। नीचे मेरे को मिल तो ये चीज़ें, बट ओके एक और आयरन और मिला, मेटल और मिला मेरे को। बस वही कि नीचे जाने में खतरा बहुत है। ओके पहले ना आसपास ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा। देखो यहाँ पे ये मिला ना, ये स्टोन है क्या? हाँ शायद स्टोन भी हो सकता है, नहीं क्ले है, क्ले। ओके मेरे को क्ले और ये काफ़ी सारा चाहिए, तब जाके मैं अपने लिए जो स्मेल्टर होता है ना वो बना पाऊँगा। मेरा हुक भी टूटने वाला, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास प्लास्टिक है इसके अलावा और कुछ। तो थोड़ा ना ध्यान से जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, उसके बाद हम लोग राफ्ट को लेके चल देंगे यहाँ से, ठीक है। काफ़ी कुछ हो चुका है। ओके तो मैं एक प्लास्टिक का हुक और बना सकता हूँ, और बना लेता हूँ क्योंकि ये टूटने ही वाला है। बल्कि इसको ना हटा ही देता हूँ मैं, टाइम लगेगा। कहाँ ड्रॉप कर दिया मैंने? ओके इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे। इस साइड को तो कुछ भी नहीं है, और अब हमको चलना होगा इधर की साइड को। यहाँ पर मुझे कुछ तो दिख नहीं रहा वैसे, नीचे की तरफ को थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, तो हम लोग एक तो ये भी ले लेते हैं, कुछ तो है ये। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शार्क शायद नहीं आएगी यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा सेफ तो है यहाँ पे। मेरे को ओके मेरे को यहाँ पे ना एक वो दिखा, मैंगो दिखा, मैंगो ट्री भी था कट करने को, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। मैंगो ले नहीं सकता। एक सेकंड में स्टोन के एक्स बना सकता हूँ क्या? प्लैंक नहीं है मेरे पास, उसको मैं काट नहीं सकता किसी तरीके से। नहीं। ओके कोई बात नहीं, तो मैं ये अपना वाटरमेलन खा लेता हूँ, ठीक है। रात भी होने को है, अब मैं वापस से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मेरे को निकालनी पड़ेंगी यहाँ से। A few moments later. ओके मेरा हुक टूट चुका है, रात का टाइम हो रहा है, और मेरे पास एक हुक बनाने का और है क्या कुछ मैं बना सकता हूँ? नहीं मेरे पास प्लैंक नहीं है, मेरे पास ये वाला हुक है, इससे मैं थोड़ा बहुत जितना भी इकट्ठा कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे को यहाँ से जाना होगा। टूट चुकी है। ओके तो अब यहाँ से मेरे को निकलना होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली है यहाँ से, जितना भी था यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें और थी, मैं कलेक्ट करता उनको, बट वही है कि अब मेरे पास है नहीं, कुछ भी नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं पूरे यार। यहाँ पर आके सही में बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पर मेरे को मैंगो दिख रहे हैं, खाने का मन भी कर रहा है बट खा नहीं सकता। तो मेरे पास कुछ है क्या खाने को अभी? देखो मैंने यहाँ पे 6 मेरे को मेटल और मिले, 12-15 ये सब मिला क्ले वगैरह, और कॉपर भी मिला मेरे को थोड़ा बहुत, तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी हमारी। ओके गाइस तो फिलहाल मैं वहाँ से आइलैंड से वापस आ चुका हूँ, और अभी खाने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने एक हुक बना लिया, थोड़ा बहुत सामान लेके यहाँ से, और अभी मैं फिशिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ बट मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो रखी थी, तो बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने लिए खाना इकट्ठा किया था, और मैं मरते मरते बचा हूँ वापस से, क्योंकि मेरा खाना खत्म हो चुका था। तो मैंने फटाफट से क्या किया, अपना सारा सामान अपनी इन्वेंट्री से, अपने हॉट वार से अपनी चेस्ट में रख लिया, ताकि अगर कुछ होता भी है तो वो जो बेस कीमती मेरे पास सामान था ना वो बच सके। और मैं अभी यहाँ पर फिशिंग कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर रख लिया सारा सामान जो भी मेरे को मिला था, यहाँ पर रख लिया, और यहाँ पर रखा हुआ है सारा कॉपर वगैरह जो भी सारी चीज़ें मिली थी। अब मैं फिलहाल यहाँ पर वुड वगैरह इकट्ठा कर रहा हूँ अगर मेरे को दिख रहा है, बट पहले जो फोकस है वो है फिशिंग में, क्योंकि खाना आप लोग देख लो। पानी भी मेरे को साथ साथ करना होगा, पानी मैंने शायद बॉइल करने रखा तो हुआ है प्यूरीफाई करने, तो मेरे को एक ना एडवांस वाला प्यूरीफायर भी बनाना है, उसके लिए भी मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब वो देखूँ मैं तब जब मेरे पास टाइम हो थोड़ा सा। अभी फिलहाल ये हार्वेस्ट होने ही वाले हैं, थोड़ी देर में हार्वेस्ट करने का टाइम आने वाला है। मैंने अपना ना ये सब बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखना है, अभी प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस करने में चीजों को। ओके गाइस तो अभी ना थोड़ी बहुत हम लोगों ने प्रोग्रेस तो कर ली है, अभी मैं इसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये बहुत सही चीज है यार, मेरे को वापस से इसको लगाना है, और मेरे को ना थोड़ा अपने राफ्ट बड़ी करनी है, बहुत सारी और चीजें मेरे को लगानी है, ताकि अगर कुछ होता है तो मेरे पास वापस से ये हो कि मैं फट से मरूं और वापस से अपना काम पर लग जाऊं, मतलब काम पर लग जाऊं, क्योंकि इतना कुछ मेरे पास होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा भी मेहनत लगे, क्योंकि पानी की बॉटल भी मेरे को बनानी है, वो बहुत ही मतलब यूज़फुल होती है। अभी मैं वापस से रिसोर्सेज गैदर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ ही लूट गया यार, बर्बाद हो चुका। मैं सही में सड़क पर तो नहीं आया बट पानी में गिर गया था।
अभी वापस से मेरे को सब कुछ कलेक्ट करना है। ये देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है यार अभी। मेरा हैमर किधर है एक बार? ये देखो यहाँ पे ये लगे पड़े, हर तरफ से मेरे को लूट रहे हैं लोग और कुछ नहीं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अभी पानी ना बहुत शांत हो चुका है, आसपास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर आप लोग देखो दूर दूर तक कोई बैरल, कोई वुड नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं फिशिंग यहाँ पे कर रहा हूँ और अब मैं आइलैंड पे जाने वाला हूँ। मुझे समझ में आ चुका है किस तरीके से जो हमारी सेल है ये काम कर रही है। चलो पानी वानी हो रखा है ये। ओ इसमें पानी डालना है, मेरे को पानी है नहीं मेरे पास अभी। मैं इनको यहाँ से रिमूव करके, अभी छोड़ो इसको, इसको छोड़ते हैं अभी। हाँ तो मेरे ब्रिक्स ना ड्राई होने के लिए छोड़ दिए मैंने, लेकिन मेरे को थोड़े से और ब्रिक्स चाहिए क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो हम लोग शायद धीरे धीरे, और यार यार ये गलत हो गया, इधर की तरफ को करना है। नहीं 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 इधर कर, कन्फ्यूजन हो जा रहा है इसको देख के। हाँ अभी हम लोग उधर की तरफ को बढ़ रहे हैं। ओके थोड़ी बहुत चीजें मेरे पास है, बढ़ तो रहे हैं हम लोग आगे, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओके ये ड्राई हो चुके हैं तो इनको पिक कर लेता हूँ। अब देखना है कि क्या मैं इससे स्मेल्ट, ओ मेरे को इनको इनको लर्न करना पड़ेगा। ओके ओके समझ में आ चुका है अब। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको बनाने के लिए मेरे पास शायद एक कम होगा, तो स्मेल्टर बनाने के लिए मेरे पास सब कुछ ही कम है, सब कुछ कम है मेरे पास। अभी स्मेल्टर तो नहीं बना सकता अभी। ऐसा कैसे हो गया कि कुछ भी नहीं आ रहा पानी में और मैं जा भी नहीं रहा हूँ आगे? पहले ना मेरे को, हाँ एक काम करते हैं, हम लोग सीधा आगे ही चलते हैं। तो हम लोग इसको रोटेट करने वाले हैं और ये जा रहा है शायद आगे, धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन अभी बिल्कुल ओशन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, शार्क भी मेरे को दिख नहीं रही है। लेकिन वो तो खैर आ ही जाएगी, मेरे पास तीन वुड है। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे मुझे वुड भी दिखाई दे रहा है और बाकी सब चीजें भी हैं। तो अभी वापस से हम लोग, पहले तो वुड कलेक्ट करना है, प्लास्टिक भी मेरे पास कम है शायद। हाँ तो पहले वुड और प्लास्टिक कलेक्ट करना है, तब जाके फिर हम लोग कहीं और आइलैंड में जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक ब्रिक कम पड़ रही है और उसके बिना हम लोग नहीं बना पाएंगे अपना जो भी स्मेल्टर है। स्मेल्टर भी बनाना है और अब जाके मुझे पहले तो सैंड कलेक्ट करनी है और थोड़ा सा क्ले कलेक्ट करना है और फिर जाके मुझे कलेक्ट करना है वापस से मेटल वगैरह, क्योंकि मेटल वगैरह ज्यादा होगा तभी जाके मैं अपग्रेड कर पाऊंगा। अभी हमारे पास बहुत कम है। अब मैं प्लास्टिक वगैरह ये सब कलेक्ट करता हूँ थोड़ी देर में। अभी देखो धीरे धीरे करके ना हम लोग शायद ओशन के बीच में जा रहे हैं, तो अब जाके मेरे को चीजें दिखना स्टार्ट हो रही हैं। इसको मैं मार नहीं पा रहा हूं, अभी तक तो नहीं मार पाया मैं इसको। काफी सारी तैयारी करने के बाद अभी मैंने खाना वाना रख लिया अपना और बाकी टूल्स वगैरह बना लिए। एक्स्ट्रा मैंने बना के अपनी चेस्ट में रख दी, इनकेस अगर ऐसा होता है कि मेरे को कोई मार देता, चाहे वो शार्क हो या फिर जो ये घूम रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा एक जायंट सा आइलैंड है, यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, इसके आसपास भी हमको एक्सप्लोर करना है। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ और मैंने ये भी डायरेक्शन कर रखा है, बट बहुत धीरे चल रहा था। तो अभी हम लोग सेल करते हुए अपने पैडल मारते हुए उससे जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, बट हमको यहाँ से वुड वगैरह मिल जाएगा काफी, क्योंकि वुड भी ना बहुत कम कम मिल पा रहा है ओशन में। तो यार वुड हर चीज के लिए चाहिए और मेनली मेरे को क्ले चाहिए ताकि मैं अपना स्मेल्ट करने रख लूं, और साथ में मेरे को मेटल ओर वगैरह चाहिए। तो मेरे को सबसे पहले अपना हुक अपग्रेड करना होगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी मेरे पास प्लास्टिक का एक हुक है, शायद मैंने एक और मेरे को हुक बनाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलने वाला। तो मैं एक और हुक बनाने वाला हूँ, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं और मैं एक बार एंकर ना लगा देता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको थ्रो नहीं कर रहा हूँ, हम लोग थोड़ा सा और जाते हैं आगे ताकि डायरेक्ट मैं यहाँ से ना ऊपर आइलैंड पे चले जाऊँ, मेरे को शार्क से टकराने का मौका ना मिले। ओके ये टूट ही चुका है, तो अभी हम लोग इसको थ्रो कर देते हैं नीचे। तो ये हो चुका और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो यार इसने तोड़ ही दिया उसको। अब मैं इसको लगा देता हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पर वुड वगैरह थोड़ा बहुत है और मैं खाने का एक बार देख लेता हूँ। तो मैंने जो भी काम की चीज़ है ना वो अपनी चेस्ट में रख लिया है और मैं बस अपने पास थोड़ी बहुत चीज़ें लेके जा रहा हूँ। ये खा लेता हूँ लास्ट और ये पानी रख लेता हूँ थोड़ा। अभी मैंने एक इसको मार दिया था, मैंने सोचा था कि मैं उसको बाद में कुछ करूंगा, लेकिन वो पता नहीं गायब हो गया उसके बाद से। तो आज हम लोग सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग जाएंगे आइलैंड एक्सप्लोर करने। क्या मिलेगा वहाँ पे वहीं जाके पता चलेगा। मैंने एक्स रख ली ना स्टोन के। ओके एक और बना लूँ क्या? एक और स्टोन रोप चाहिए। ओके एक और स्टोन के एक्स मैंने क्राफ्ट कर लिया। अब हम लोग चलने वाला है यहाँ से सीधा आइलैंड पर। यहाँ पर तो शायद शार्क नहीं होनी चाहिए यार, मेरे को पहले ना यहाँ से सामान लेके आना। देखो ये उसने पत्थर उठा लिया, मतलब मैं पहुँचा नहीं आइलैंड पर, उसने पत्थर उठा लिया वहाँ से। देख रहे हो कितना चालाक हो रखी है। ये देखो ये ड्रॉप करने वाली है, बच गया क्या मैं? ओह शिट ओह शिट, ये ले सकता हूँ? नहीं यहाँ पर फ्लावर वगैरह है, मेरे को फ्लावर वगैरह नहीं चाहिए। पहले मैं आसपास नीचे एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कुछ है। तो हम लोग वुड वगैरह भी काट लेंगे, वाटरमेलन है तो खाने का तो यहीं से हो जाएगा। ये काट लेते हैं वुड। ओह शिट, नहीं 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 यार ये तो बहुत बड़ा पंगा है यार इसके साथ में, मेरे को भागते रहना होगा, एक जगह रुकना नहीं होगा, मेरे को मार डालेगी वरना। इसको नहीं काट सकता ना, ये बहुत बड़ा पेड़ था, वरना यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ आराम से। ये देखो इस वाली जगह पर ना, यहाँ पर शायद शार्क थोड़ी सी कम होगी, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। एक बार ना मैं एक वाटरमेलन खा लेता हूँ, यहाँ पर शायद नीचे हमको कुछ मिल जाएगा। ओके यहाँ पर है, बस शार्क ना आए बाकी हम लोग यहाँ से। मुझे क्ले भी इकट्ठा करना है थोड़ा, सैंड तो शायद मेरे पास एक्स्ट्रा था, मेरे को क्ले इकट्ठा करना है। ये क्या है? स्टोन है आई थिंक ये। ओके गाइज यहाँ से मैंने काफ़ी सारा सैंड और जो क्ले मेरे को इकट्ठा करना था वो तो मैंने कर लिया।
अब जा रहा हूँ मैं वापस और सामने मेरे को एक डोडो दिख रहा है। मारू क्या? मार नहीं पाऊंगा, बहुत तेज भागता है। नहीं नहीं डोडो नहीं है, कुछ और है। नहीं बहुत तेज भाग रहा है यार, मैं जा नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग ये वुड काटते हैं, इसमें से हमको काफ़ी सारा वुड मिल जाएगा। पाम सीड्स भी मेरे को मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि पाम हम इसको लगा सकते हैं क्या। ओके ये ले लिया मैंने, बस मैं एक बार चारों तरफ घूम रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लोर नहीं करना होगा क्योंकि इन्वेंट्री में जगह भी शायद नहीं होगी। पहले मेरे को ना चीज़ें स्मेल्ट करने रखनी है। ओके तो अभी तो मैं यहाँ से आ चुका हूँ, अभी मैं शार्क आ रही है, ऊपर पहुँच गया। ओके ठीक है, तो मेरे को ना और कुछ वेट ब्रिक्स बनानी है। मेरे को लग रहा है कि यार इसके आसपास ना रुकना सही चीज़ नहीं है, ये पत्थर लेके आ रहे हैं वहाँ से मारने के लिए मेरे को। ये देखो फिर से लेके आई, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। ओ शिट यार ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे को ना एक क्राफ्टिंग ये बनाना था, हाँ इसको मेरे को रखना है यहाँ पे। इसमें मेरे को खाली करना है ये सब जो भी मैं लेके आया था काम की चीज़ें, और ये कुछ तो फालतू चीज़ें भी मैं लेके आ चुका हूँ, बट ये सब मेरे को यहाँ पर रखना है। फालतू चीज़ों को हटा देते हैं, और मेरे पास रोप है, मेरे पास मेलन सीड्स हैं, तो मेलन सीड्स को तो मैं लगा देता हूँ वापस से। ओके बाकी प्लास्टिक में रख रहा हूँ वापस, क्योंकि मुझे नहीं पता कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं चल रहा हूँ वापस, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। अभी नीचे तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया था, अभी हम ऊपर जाके आते हैं फट से, आइलैंड के ऊपर क्या क्या है वो देख के आते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। ठीक है, तब तक शायद मैंने जो स्मेल्ट करने रखा है वो स्मेल्ट भी हो जाएगा, तो बस लेकिन बहुत ध्यान से जाना। अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, सो जाते हैं। कल सुबह मेरे को एक बार ऊपर जाना है, मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ना कहीं पर एक सेकंड सोने का टाइम नहीं है क्या? अभी हो चुका है। ओके क्योंकि कहीं पर भी ना जाने का ऊपर रास्ता नहीं नजर आ रहा, ऊपर देखो रास्ता है ही नहीं कहीं पर जाने का। तो ये माउंटेन जितना बड़ा है ना गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है यार, मेरे को कहीं पर कोई खाने की चीज़ें नहीं मिल रही है कुछ खास, मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। मैं ऊपर तक पहुँच तो चुका हूँ, मेरे को रास्ता ढूंढना था, मैंने ढूंढ लिया। मेरा वुडन स्पेयर भी टूट चुका है, अगर कोई मुझ पर अटैक करता है तो मैं अपने को डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगा फिलहाल यहाँ पर। हाँ टॉप में एक चीज़ दिख रही है, जहाँ मुझे पता है उसको सेल करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे एक बार चेक करके आ जाते हैं कि क्या क्या है इसके पास। एक तो ये ना अलग से मुझे मारने पर लगी पड़ी यार यहाँ से, बर्ड्स ये ले लेते हैं जो भी है। कुछ तो था। ओके अब यहाँ पर मैं खड़े रहूँगा तो तब भी दिक्कत है ना, मैं कुछ सेल नहीं कर सकता ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास सेल करने को, तो फायदा है नहीं यहाँ पर रुकने का। और इन्वेंट्री मिली, ओके एक इन्वेंट्री मिली मेरे को, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें, बट यहाँ पर ना रुक के मैं उसको देख नहीं सकता क्योंकि ये लोग लगातार पत्थर से मुझे मारने पर लगे पड़े हैं। मैं वुड ले लेता हूँ थोड़ा सा, चलो हो गया इतना काफ़ी है। अब ये वाले ऊपर वाले मैं जा रहा हूँ, सबसे ऊपर है। मैंने कैसे करके मतलब रास्ता निकाल लिया यहाँ का, मुझे लगा नहीं था कि मैं तो ऊपर पहुँच पाऊँगा, बट पहुँच ही गया। अभी और ऊपर जाके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा इन्वेंट्री मिल जाए ना खतरनाक। कुछ तो मिला है मेरे को थोड़ा बहुत, तो हाँ थोड़ा बहुत मिला। एक सेकंड बादाम खा लूँ यार, एक मेरे को एक रेसिपी शायद कुछ मिली है किसी चीज़ की यार। वाटरमेलन वगैरह कुछ नहीं है। ओके मैंगो है, मैं मैंगो तोड़ तो लूँ, लेकिन ये कहीं मेरे को मार ना डाले यार बहुत रिस्की काम हो रखा है, जल्दी कट जाए। ओके खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा, बस सही सलामत ना नीचे तक पहुँच जाऊँ। बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है। वाटरमेलन मिला मेरे को। एक सेकंड इन्वेंट्री में कुछ तो कचरा होगा मेरे, ये हटा दो, ये नहीं चाहिए अभी, ये भी नहीं चाहिए, ये वाले ले लो। इसमें क्या था? बोल्ट था। अरे यार मुझे लगा कुछ खतरनाक चीज़ है। ये एंटीना सा कहाँ का लगा हुआ है यार, ये रिसीवर सा कुछ लगा हुआ है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें अभी। शायद जो मेन स्टोरी वाला है ना वो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो इस वजह से शायद ऐसा हो सकता है। आई मीन लो टूट गई, एक्स भी टूट चुकी है। और है क्या मेरे पास स्टोन की एक्स बनाने को? रोप तो है, स्टोन नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हम लोग नीचे को चलते हैं। एक वहाँ पर भी है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो वहाँ पर भी ना कोई चेस्ट वगैरह मिल सकती है, फॉल डैमेज ना मिले बस। तो ये भी वही है, मतलब सेल करने को कुछ है नहीं हमारे पास अभी, हमारी रेपुटेशन वगैरह सब बिल्कुल ख़त्म है। अब मैं यहाँ से नीचे चल रहा हूँ, मेरे पास अभी नहीं जा रहा हूँ यार नीचे जा रहा हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? ये देखो अभी रात के टाइम पर वो भी तो मुझे मिल सकता है। ओ शिट, नहीं मैंने तो सोचा ही नहीं उसके बारे में, वो जो पहली बार मुझे मिला था जिसने मुझे मार डाला था। कैसे भी करके मेरे को नीचे जाना है। मेरी राफ्ट मेरे को दिख रही है। ओके मेरी राफ्ट दिख रही है मेरे को। उस साइड में मेरे को एक्सप्लोर करना था वैसे, कर रहा हूँ क्या फट से? अगर मर गया तो फिर हो गया, होगा क्या वैसे यहाँ पे? मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होने वाला है। ये कुछ तो है, इसको मैं लगा सकता हूँ क्या? लगा के ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर लग गया ना तो ये बहुत मुश्किल से मैं ढूंढ के लेके आ रहा हूँ इनको। अगर ये लग गए, ये देखो फिर से इसने पत्थर फेंका, शायद फेंका लेकिन मैं बच गया। रात के टाइम पे ऐसे रिस्क है यहाँ पे जाना? नहीं गिरना नहीं है मुझे, आराम से जाना है। ये देखो फिर उठाया उसने पत्थर, उठ नहीं पा रहा है। अरे वाह, उठ नहीं पा रहा है इससे पत्थर, लेकिन फिर भी लगा पड़ा है। ओके राफ्ट तक तो मैं पहुंच चुका हूं कैसे भी करके, और यहां से शायद शार्क के आने से पहले यहां से भी निकल जाऊंगा। अबे नहीं, एंकर हटाओ यहां से, रिमूव करो इसको और इसको ओपन करो, यहाँ से निकलो अभी। चलो यहाँ से थोड़ा ना दूर चल लो, ये लोग मार डालेंगे सही में।
थोड़ा सा दूर चलता हूँ, उसके बाद आराम से हम लोग काम करेंगे। वहां बाहर ओशन के बीच में एटलीस्ट ये टेंशन नहीं है कि कोई मारेगा मेरे को ऊपर से। ये तो मतलब बहुत ही खतरा है यार यहाँ पे। ओके ये भी ड्राई हो चुका है, तो मैं एक और स्मेल्टर क्राफ्ट कर रहा हूँ। स्क्रैप चाहिए मेरे को। ओके स्क्रैप तो शायद होगा मेरे पास फिलहाल, लेकिन इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। ओके गाइस तो मैंने एक और स्मेल्टर बना लिया है, इसको भी मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, इसमें प्लेस करके अब जाके मैं इसमें मेटल और स्मेल्ट करने रख देता हूँ। ये तो स्मेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं एक और डाल देता हूँ। मेरे पास तीन ब्रिक हो चुकी है, एक ड्राइड ब्रिक है मेरे पास जो मैं अभी फिलहाल रख देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। मेटल ब्रिक मेरे पास एक है और यहाँ पर है एक दो। अब जाके मुझे देखना है, पहले तो इनको स्टडी करना होगा। ओके स्टडी कर यार, नहीं नहीं स्टडी करने में लगेगा क्या, एक खर्च हो गया स्टडी करने में। अब मैं क्या बना पाऊँगा इससे, एक सेकंड देखता हूँ कि मैं मेटल वाले कब बना पाऊँगा मेटल। यार अभी तो आ नहीं रहा, एक सेकंड। अबे हट जाओ यार, हार्वेस्ट करना है मुझे। मेटल वाला अभी तो आ नहीं रहा, एक सेकंड। ऐसा क्यों लेकिन? ओके मैं बकेट बना सकता हूँ, मैं ग्रिल बना सकता हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ था ना वो मैं अभी बना नहीं पा रहा हूँ, यानी कि मेटल के ये सब। तो इनको क्राफ्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? अभी मुझे तो लगा था कि मैं अपग्रेड कर पाऊँगा इनको, बट इनको तो मैं अभी अपग्रेड कर ही नहीं पा रहा हूँ पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे लगा था कि शायद मैं कर लूँगा अभी, देखना पड़ेगा हमको कुछ और। ओके गाइज मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया, मेटल इनगेट के साथ हमको ये भी रिसर्च करना पड़ेगा। अब जाके शायद मैं कुछ कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। नेल्स को कर लिया मैंने रिसर्च, ओके ऑलरेडी कर लिया है। तो और कुछ मिला था हमको? नहीं, स्क्रैप तो कर चुका हूँ। ओके अब यार मैंने एक इससे कुछ तो क्राफ्ट कर लिया, मुझे लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दी। ओके अब जाके क्या हमारे पास शीयर्स आ चुके हैं। यार शीयर के अलावा ये कैसे आएगा हमारे पास? अबे हट जाओ यार, हार्वेस्ट कर लिया मैंने। शीयर के अलावा वो सब कैसे आएगा मुझे वो देखना। हमारे पास अभी देखता हूँ कि मैं क्या क्या हमारे पास स्टोरेज ये वाला आ चुका है, जिसको बनाने के लिए हमको प्लास्टिक चाहिए, स्क्रैप चाहिए। ये तो मैं बनाने ही वाला हूँ यार, मेरे को चाहिए, ये बहुत बड़ा स्टोरेज है यार। ओके तो अभी और क्या चीज़ मेरे को स्टडी करनी होगी? कि देखो हमारे पास ये वाला एंकर आ चुका है, बट जो मेन चीज़ थी ना वो नहीं आई अभी। ग्रिल भी आ चुका है हमारे पास, प्यूरीफायर सिंपल वाला प्यूरीफायर है। नहीं इससे काम नहीं चलेगा गाइस, इससे तो काम नहीं चलने वाला। ओके गाइस तो जो चीज़ मिसिंग थी वो थी कि मैंने बोल्ट को अभी तक रिसर्च नहीं किया था। अब जाके मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सीख गया हूँ यहाँ से। हाँ अब जाके हम लोग बना सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, देखो एक्स आ चुके हैं हमारे पास, हमारे पास फिशिंग रॉड आ चुके हैं। सबसे पहले ना मेरे को हुक को अपग्रेड करना है, लेकिन उसके लिए मेरे को एक सेकंड, बोल्ट मेरे पास है नहीं क्या कुछ? यार इन्वेंट्री बहुत जल्दी भर जा रही है, मेरे को सबसे पहले ना एक इन्वेंट्री का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे को ये चाहिए मुझे ना, नहीं तो फिर दोबारा आइलैंड पर जाना पड़ेगा। तो मेरे को सामने आइलैंड दिखाई दे रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि वहीं जाके दोबारा से मेटल लेके आ जाऊँ, क्योंकि मेटल वैसे है मेरे पास, है मेटल तो एक बार देखता हूँ कि इसमें क्या था। ओके अभी ट्राई करता हूँ दोबारा, अबे हट जाओ यार, दोबारा से ट्राई करता हूँ। ओके तो मैं एक स्क्रैप, ओह शिट कितना सही लग रहा है, अब इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इससे। एक सेकंड थोड़ा सा एक कलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं 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 अभी नहीं हुआ। ओके इसको मैं कर रहा हूँ ड्रॉप अभी, ठीक है। तो हमारे पास अब ये वाला है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी तो काफ़ी बेटर होगी, उससे स्पीड भी तेज है। अरे वाह यार, देखता हूँ कि इतना दूर तक फेंक पा रहा हूँ। ये आएगा अभी, फंसने वाला है, इसमें फंस चुका है। ओके यार ये बहुत सही है, अभी मेरे को ऐसी करके ना अपने बाकी भी अपग्रेड करने टूल्स। ये आ चुका हमारे पास, वुड भी मेरे पास शायद थोड़ा कम है। अरे कितना तेज चल रहा है, अरे वाह यार बहुत ही तगड़ा हो रखा है। एक बार दूर वाला जो बैरल है उसको लेने की कोशिश करता हूँ, आराम से ले सकता हूँ, वैसे पास आ चुका है मेरे। यहाँ पे कुछ है, एक सेकंड मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। हम लोग इसको ओपन करते हैं और हम लोग वहीं की तरफ को जा रहे हैं वैसे। हाँ इसको थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं। ओके तो ये भी मेटल हो चुका है, एक में ये डालता हूँ मैं अब ये, और एक में मैं डाल रहा हूँ कॉपर, ठीक है। और यहाँ पर वुड डाल देता हूँ, यहाँ पर भी मैं वुड डाल दे रहा हूँ, तो शायद स्मेल्ट हो रहा है। ठीक है। अब जाके ना गाइस मेरे को थोड़ी सी फिशिंग करनी है, तो मैं एक मैं फिशिंग रॉड भी बनाने वाला हूँ। बोल्ट चाहिए, रोप चाहिए। हाँ ये बहुत सही चीज़ है यार, ये तो मतलब इतनी एक सेकंड ये जा रहा है एक, यार दूर भाग गया वो। काफ़ी कुछ चीज़ें मिली, एक सेकंड मैंने ड्रॉप कर दिया था ना कहीं पर, ड्रॉप किया था मैंने। ओके ये है, तो ये देखो ये कितना सही चीज़ है यार गाइस। अब जाके मैं थोड़ी सी फिशिंग करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। एक सेकंड पहले ये पिक कर लो, और अब मैं इसको डालने वाला हूँ नीचे, देखते हैं कि कितनी जल्दी फिश निकलती है। मतलब फायदा तो होगा, ड्यूरेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ चुकी है बहुत तगड़े तरीके से। प्लास्टिक से हम लोग इसमें आ गए, वुडन स्पीयर भी मेरे को बनाना है, वो भी बहुत काम की चीज़ है। ओके बहुत जल्दी हुआ उससे, तो काफ़ी जल्दी हुआ। और ये देखो ये हम इसके पास आ चुके हैं। ओके मैं इस पर जाने वाला हूँ, जल्दी आ जाए यार, एक मछली आ जाए बस, मेरे को खाने का चाहिए, खाना खत्म होने पर मेरे। ओके तो हम लोग ना इसको रोटेट कर देते हैं इसकी तरफ को, हम लोग बस जा ही रहे हैं, उसके पास ही जाने वाले हैं हम लोग। और मैं खाना कुक करने रख देता हूँ अपना,
ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाली फिश है, कौन सा, एक मेरे पास आलू है, आलू रख देता हूँ, और एक मेरे पास ये फिश है, ये रख देता हूँ। यार इसमें नहीं आएगा, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके हम लोग सेल करते हुए चले जाएंगे वहाँ पे जल्दी से, मेरे को बस देखना है, कुछ कुछ काम की चीज़ें हो सकती है उसमें। अभी हमको बहुत कुछ चाहिए अपने लिए, मतलब यार हमारी इन्वेंट्री भरने वाले, सामने मेरे को आइलैंड भी दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि यहीं से हमारा काम हो जाएगा। ओके ओके एक काम करते हैं, अपनी खाली कर लेते हैं थोड़ी सी इन्वेंट्री, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ इसको, अभी चलते हैं हम लोग इसमें। ओके तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को, कुछ तो मिला, ये ले सकते हैं हम लोग, नहीं यार काम आ जाता वैसे, और कुछ नहीं। ओ ये तो डूबने लग गया, इसी से हल्का हो रखा था। रेसिपी कोकोनट वाली कुछ है, इसको मैं रीड करके एक बार वो कर लेता हूँ। ओके रेसिपी है ये, मेरे को रखनी पड़ेगी क्या या लर्न करनी पड़ेगी मेरे को, एक बार ट्राई करता हूँ। रिसर्च करने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, तो मैंने इसको रख लेता हूँ यार, ये मेरे बहुत काम आएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। ये भी रख लेता हूँ, बोल्ट भी रख लेता हूँ, और वो रेसिपी कहाँ डाल दी मैंने। ओके अभी अपना राफ्ट भी ना थोड़ा सा अपग्रेड करना है मेरे को, अपग्रेड नहीं करना अभी फिलहाल तो रिपेयर ही करना है, रिपेयर करने के पैसे नहीं आए। ओके अब गाइस देखना है कि मेरे को पहले ये निकाल लेते हैं यहाँ से, और ये भी निकाल लेते हैं। कॉपर मेरे पास और था ना, एक दो और है, तो इसको भी स्मेल्ट करने रखता हूँ। ओके और इसमें मैं डाल देता हूँ वुड, थोड़ा वुड इसमें होगा शायद। चलो अभी मुझे क्या करना है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं और लर्न करना पड़ेगा कि कॉपर भी मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ये है ना, इसको रख लेता हूँ, कहाँ पर रखना पड़ेगा, जगह भी तो नहीं है मेरे पास यार, जगह भी नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। ये सब हटा देता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ इसको। अब हमको देखना है कि मैं क्या करना है, मेरे को क्राफ्ट शेयर करना है, शेयर से क्या, ये मैंने कर लिया। एक्स हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं क्या, एक्स भी क्राफ्ट कर सकते हैं। और मेरे को देखना है कि ये इसके लिए क्या चाहिए हमको, हिंज चाहिए हमको, रोप चाहिए, चार स्क्रैप नहीं है मेरे पास, स्क्रैप है हमारे पास, वुडन प्लैंक, ओके वुड नहीं है मेरे पास शायद, हाँ वुड कम है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं वुड हम लोग निकाल लेंगे। ये है मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है, ओके वुड है तो मेरे पास यार। अब जाके हम लोग करिए एक बहुत ही तगड़ी वाली, इसमें मुझे नहीं पता कि कितनी स्टोरेज होने वाली है, बट ट्राई करते हैं कि कितना होता है, एक बार चेक करनी पड़ेगी। इसको ओपन करते हैं, बहुत सारी है, तो इसमें मैं कुछ काम की चीजें रखने वाला हूँ, जैसे अपनी फिशिंग, नहीं फिशिंग रॉड तो काम आएगी अभी अपने, ये कॉपर इनगेट रखने वाला हूँ मैं, वुड रख रहा हूँ अभी, ये सब भी रख रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको बनाने वाले हैं अलग से, ठीक है। एक और है मेरे पास मेटल ओर, ओके मेरे को ये भी करना पड़ेगा काम इसका भी। मेरे को ना अभी, ओके ये भी स्मेल्ट हो चुका है और ये भी हो चुका है स्मेल्ट। अब जाके मैं ये वाला कॉपर वाला ये भी इनको रख लेते हैं, ये वाला मेटल ओर इसको भी मैं ये कर लेता हूँ। कॉपर वाला मेरे को एक बार स्टडी करना था कि उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, मैंने रिसर्च शायद अभी तक नहीं करा, तो रिसर्च कर लेते हैं। और कुछ है लर्न करने को, मुझे नहीं लगता कि कुछ है लर्न करने को। ओके ये एक चीज है, ये है ना क्राफ्ट करने के लिए, इसके लिए मेटल इनगेट चाहिए मुझे दो, बट उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि क्या हम लोग सिंपल बैटरी, नहीं बैटरी अभी नहीं करनी मुझे, अभी प्यूरीफायर चाहिए पहले, प्यूरीफायर मुझे देखना है कि सिंपल, अभी हमारे पास प्यूरीफायर नहीं है, अभी हमारे पास सिंपल प्यूरीफायर है, ग्रिल है हमारे पास, और नहीं नहीं मेरे को खाना खाना है कुछ, कुछ है थोड़ा सा, ये है पानी पीना मेरे को, मैंने पानी का जग कहाँ रख दिया। ओके ओके है ठीक है पानी पी रहा हूँ मरने वाला था अभी, ध्यान दिया ही नहीं मैंने हेल्थ पे। ओके गाइस तो अभी मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये ग्रिल बनाना, ये ग्रिल बनाने के लिए मुझे चाहिए नेल्स, रोप, मेटल इनगेट, एक सेकंड, मेटल इनगेट मेरे खत्म हो चुके हैं क्या सारे के सारे, फिर तो यार नहीं है ओके और चाहिए हमको प्लैंक मेरे पास नहीं है अभी बिल्कुल भी, प्लैंक लेने पड़ेंगे अभी, थोड़े से प्लैंक लेते हैं क्योंकि ये देखो खाने में ना कुछ कुछ जो फिश हैं जो बड़ी हैं उनको मैं अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उसके लिए हमको चाहिए, वो क्राफ्ट कर सकते हैं इसको। ओके गाइस क्राफ्ट कर लिया मैंने, एक बार पहले मेटल इनगेट यहाँ रख देता हूँ वापस से, ये रखने, तो कॉपर इनगेट कहाँ रखे मैंने, ड्राई ब्रिक भी निकाल लेता हूँ, और क्या हमारे पास, ये भी हम लोग स्मेल्ट करने रख सकते हैं आई थिंक, हाँ ये भी रख सकते हैं। ओके तो मैं इसको रखने वाला हूँ इधर कहीं पे। ओके अब जाके मैं जो बड़ी वाली फिश मैं कुक नहीं कर पा रहा था ना वो मैं यहाँ पे कुक करने वाला हूँ, शायद इसमें हो जानी चाहिए, हो गई है, लेकिन इसको चलाना कैसे है यार, मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ, एक सेकंड मेरे पास अभी, ओके मेरे को लग रहा है वुड ही लगेगा इसमें भी, मेरे पास वुड है नहीं है, अब जाके ट्राई करता हूँ, हाँ वुड लगेगा यार, मुझे लगा कहीं ये बैटरी वाला तो नहीं था, फिर प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि अभी मैंने जस्ट, एक ये भी हमारे पास, अभी मैंने जस्ट ना बैटरी वो कर रखी है, बैटरी ऑप्शन आ रहा था बनाने का, तो ये रख लेते हैं। और क्या है हमारे पास, बोल्ट वगैरह मैं सब रखने वाला हूँ इसमें, काम की चीजें एक जगह पर रख रहा हूँ। ये देखो अभी मेरे को ना ये भी बनाना ही पड़ेगा, मैं बना पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊंगा इसको, इसमें है वो ये वाला, इसके लिए हमको ये चाहिए इनगेट चाहिए मेटल के दो, यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके मैं इसको क्राफ्ट कर रहा हूँ, फाइनली ये भी क्राफ्ट कर लिया, अब जाके इससे शार्क को मारने में बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल मेरे रिसोर्सेज है ना वो खत्म हो चुके, मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा, अब हमको इकट्ठे करने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे दोबारा से, और तब जाके हम लोग वापस प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने राफ्ट को। मैंने सोचा था कि मैं अपग्रेड करूंगा,
बट आज इतना टाइम हो नहीं पाया, मतलब हम लोग बाकी सारे काम में रह गए। अब मैं अभी इसको कर सकता हूँ क्या? नहीं, इसके लिए प्लास्टिक भी नहीं है मेरे पास अभी, थोड़ा तो इसको कर ही देते हैं। ओके, तो ये थोड़ा मैंने ये भी रख लिया, शायद ये काम आता है बाद में, बट अभी के लिए हमारा सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। मैंने काफी कुछ चीजें यहाँ पे लगा ली है और काफी कुछ कर लिया हम लोगों ने। एक बार ये लगा दूं लास्ट, और यहाँ पे हमारे ग्रिल में बड़ी वाली फिश पक के तैयार हो चुकी है। इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितना खाना अपना, एक सेकंड देखता हूँ कि कितना खा सकता हूँ। यार मेरे को लग रहा है एक बार में इससे पेट भर जाने वाला अपना। हाँ, हो गया, एक बार में अच्छा खासा पेट भर चुका है। तो अभी ना पूरा यहाँ पर मैस हो रखा है अभी, लेकिन मेरे पास कुछ भी, अब यहाँ पर देखो मेरे पास इसको अपग्रेड करने के लिए भी अभी कुछ नहीं है, तो हमको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। और एटलीस्ट जो बेसिक अपने टूल्स है ना, ये हो गया, मेटल स्पेयर हो गया, मेटल का फिशिंग रॉड हो गया, मेटल का हुक हो गया, ये सब बना लिए। अभी हम लोग नेट लॉन्चर, ये क्या? ओके, पकड़ने के लिए, किसी को कैप्चर करने के लिए। एक्स मेरे को बनानी है मेटल की, प्लैंक नहीं है ना हमारे पास। एक सेकंड देखता हूँ, अगर ये बना सकते तो हम लोग ये भी बना लेंगे। तो हमारे पास एटलीस्ट जो बेसिक सारी की सारी चीजें होंगी वो बन जाएंगी, बट अभी हमारे पास वुड प्लैंक वगैरह नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। बाकी बहुत सारी रेसिपी अभी अनलॉक हो चुकी है, ये सब चीजें यहाँ पे। एडवांस वाला प्यूरीफायर मुझे चाहिए था, वो नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट बाकी सारी चीजें ये तो खैर काम की चीज है। तो फिलहाल गाइज आज का एपिसोड कर लेते हैं यहीं पे एंड। कोई सजेशन हो कमेंट में प्लीज मेरे को बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।